दोस्तों यूपी की वृद्धावस्था पेंशन का पैसा डलना शुरू हो चुका है। जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन का पैसा पीएफएमएस पोर्टल पर शो होना शुरू हो चुका है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना करके आपको अपडेट कर दिया था कि 29 अगस्त को भी पैसा डाला गया है, लेकिन कुछ लाभार्थियों का रिजेक्ट हुआ था पैसा। इसके अलावा 30 अगस्त को भी डाला गया है, लेकिन 30 अगस्त का सबका भी रिजेक्ट हुआ है। 30 अगस्त का जितना जिनका भी डाला गया है उन सभी का रिजेक्टेड ही दिख रहा है, लेकिन 29 अगस्त का कुछ लोगों का रिजेक्टेड हुआ था, कुछ लोगों का अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा था। तो जिनका 29 अगस्त को वृद्धावस्था पेंशन का पैसा रिजेक्ट हुआ था उनका पैसा आज फिर से डाला गया है। आज शाम को पैसा डाला गया है। मैं आपको यहां पर देखिए स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इनका 29 अगस्त को पेमेंट रिजेक्ट हुआ था, आप यहां पर देख सकते हैं, और फिर से आज पैसा शाम को डाला गया है। 30 अगस्त को पैसा दोबारा से भेजा गया है, जो कि वृद्धावस्था पेंशन का पैसा है। फंड स्टेटस के कॉलम में आएंगे तो अभी यहां पर अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी दिख रहा है, अभी एजेंसी द्वारा फंड अप्रूव्ड नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर पेंडिंग में पेमेंट दिखना शुरू हो चुका है। जिनका भी 29 तारीख को पेमेंट रिजेक्ट हुआ था उनका यहां पर पैसा फिर से डाला गया है। अगर आपका भी 29 तारीख को पेमेंट रिजेक्ट हुआ था तो आप फटाफट पीएफएमएस पोर्टल पर चेक करिए कि आपका पेमेंट शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका पेमेंट 29 तारीख अगर रिजेक्टेड था तो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि आपको अभी तक वृद्धावस्था पेंशन का पैसा पीएफएमएस पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है तो आप वेट करें, इंतजार करें। अभी कुछ ही लाभार्थियों का पैसा पीएफएमएस पोर्टल पर शो हो रहा है, सभी लाभार्थियों को फिलहाल अभी नहीं भेजा गया है, इंतजार करें। जल्द ही सभी पात्र वृद्धावस्था लाभार्थियों को पैसा यहां पर मिलने वाला है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।